सारी चीज़ें निकल जाएंगी, पर मैं बेसिक जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ रखूँगी सबके सामने। सबसे पहली चीज़ जो सारे परिवारों ने हमें बताई है, वो करीब 12 परिवारों ने, 16 केसेस में से 12 परिवारों ने हमें ये बताया है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई उनको या तो घर से या किसी पब्लिक प्लेस से पुलिस या फिर इन्फॉर्मर्स द्वारा, जो वकील हैं उनके द्वारा किडनैप या अबडक्ट किया गया था। और इनमें से करीब 3 ऐसे केसेस हैं इन 12 केसेस में से जहां जो लोग हैं वो पुलिस कस्टडी में थे और उन्हें ये दिखाया गया है कि वो पुलिस कस्टडी से भागे हैं और उसके बाद फिर उनको एक अलेज्ड इनकाउंटर में दिखाया गया है कि उनकी मौत हो गई। बहुत सारे परिवारों ने, करीब 10 परिवारों ने हमें ये भी बोला कि जब उन्हें बॉडी मिली पोस्टमार्टम के बाद तो उन्होंने देखा कि बहुत टॉर्चर मार्क्स है बॉडी पे, जो बिल्कुल निगेट करता है पुलिस के वर्जन को। पुलिस ये बोलती है कि इम्प्रॉम्प्टू शूट आउट था, वहाँ से गोलियाँ चली, हमने गोलियाँ चलाई और उसकी वजह से वो मर गए। पर ये टॉर्चर मार्क्स जो फैमिली बता रही है वो एक बहुत क्लिंचिंग एविडेंस है ये बताने के लिए कि ये एक एनकाउंटर नहीं है, जबकि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। टॉर्चर में उन्होंने बोला है कि उनके बॉडीज पे ब्लू मार्क्स थे, बैक पे ब्लू मार्क्स थे, हाथ और पैर में फ्रैक्चर्स थे, रीढ़ की हड्डी बैकबोन जो है वो बहुत लोगों की ब्रोकन थी और फ्रैक्चर थी। कुछ केसेस हैं ऐसे, जैसे 4 केसेस हैं जो जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी फैमिली की टेस्टिमनी को सपोर्ट किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये लिखा है कि फ्रैक्चर्स दिखाए गए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में। कुछ और इन 4 केसेस में एक और बहुत स्पेसिफिक चीज़ जो हमने देखी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलता है कि जो बुलेट वुंड है उसके आसपास ब्लैकनिंग है, टैटूइंग है। ये जो एस्पेक्ट होता है टैटूइंग का वो जनरली तब होता है जब एक क्लोज रेंज से फायर किया गया हो, तो ये भी एक ऐसा वो है जिससे प्रूव होता है कि ये एक मतलब इनकाउंटर नहीं था, पर जबकि बहुत क्लोज रेंज में पुलिस ने आके उन्हें मारा है। बहुत सारी केसेस में हमने ये भी देखा, करीब 10 केसेस में, कि जो गोलियां चली हैं वो वेस्ट के ऊपर चली हैं लोगों के, तो ये भी एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है। एंड प्लस पुलिस जैसे FIR में वो ये बोलते हैं कि हमने अपनी ट्रेनिंग के हिसाब से हम गए और सेल्फ डिफेंस में हमने फायर किया, पर एक इसका एक वो होता है कि आप वेस्ट के ऊपर नहीं मार सकते, आप वेस्ट के नीचे गोलियाँ मार सकते हैं अगर आपको सेल्फ डिफेंस में मारना ही है। तो ये काफ़ी केसेस में मतलब चेहरों पे गोली लगी है, टेंपल में सर पे गोलियां मारी गई हैं, हार्ट में बिल्कुल क्लियर शॉट टू द हार्ट है बहुत सारे केसेस में। फिर कुछ परिवारों ने हमें ये भी बोला कि जब विक्टिम को अबडक्ट किया गया था, अगवा किया गया था, उसके बाद ही उन्हें ये शक हो गया था कि इसका एक काउंटर होने वाला है और उन्होंने इमीडिएटली अथॉरिटीज को चिट्ठियाँ लिखी थी। तो उन्होंने पुलिस अथॉरिटीज को लिखा है, NHRC को लिखा है और भी बॉडीज़ हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा है, पर कोई भी उन्हें रिस्पांस नहीं मिला इन सारे बॉडी से। और उसके एक दो दिन बाद उन्हें पता चला कि इनकाउंटर हो गया है उनके बेटों का। सबसे मतलब डराने वाली चीज़ एक्चुअली ये है कि बहुत करीब आधे परिवारों ने हमें ये बताया है कि पुलिस लगातार उन पर दबाव बनाई जा रही है। इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर पुलिस बोलती है कि ये एनकाउंटर था और स्पॉन्टेनियस शूटआउट था, तो पुलिस पर दबाव क्यों बना रही है, पुलिस उन्हें आके थपकाती क्यों है। और दबाव बनाने के भी बहुत तरीके हैं पुलिस के, जैसे बहुत सारे परिवारों ने बोला कि उनके जो रिश्तेदार हैं या और बेटे हैं या भाई हैं उन पर पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं एनकाउंटर के बाद और उन्हें जेल में डाला है। इन्फॉर्मर या मुखबिर के तरफ से परिवारों को धमकाया जाता है और बोला जाना है कि आप या तो मतलब हमारे खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कोई कार्यवाही ना करें, अगर आप करेंगे तो आपको भी मार दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ परिवार के लोग जो ऑलरेडी जेल में हैं अभी, उनके साथ टॉर्चर हो रहा है जेल में, टू इंश्योर कि जो फैमिलीज हैं उन पर प्रेशर बना रहे और वो आगे भी नहीं आ सके। कुछ केसेस में फिर हमने ये भी देखा कि पुलिस एक बहुत बड़े झुंड के साथ आती है गांव में और फैमिली जहाँ रहती है वहाँ पे एक वो मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ह्यूमिलिएटिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं फैमिली के लिए। और कुछ केसेस में तो वो घर में घुस के भी उन्होंने तोड़फोड़ की है घर के अंदर घुस के। और स्पेशली केसेस में, उन केसेस में जहाँ पे फैमिलीज ने एक्चुअली 1563 फाइल किया है या कोई भी अपने तरफ से वो स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस के लिए, उन केसेस में बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट्स है उनके लाइफ को लेकर। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने इस पूरे फैक्ट फाइंडिंग में जो देखी है वो ये है कि पुलिस का जो एक वर्जन है वो एक आइडेंटिकल वर्जन है। 16 केसेस में हमने देखा कि बिल्कुल सेम तरीके से पुलिस लोगों को मार रही है।
तो स्टार्टिंग का जो वो एफ आई आर में जो हमने एनालाइज किया, तो स्टार्टिंग का ना स्टार्टिंग में तीन तरीके हैं जहाँ से पुलिस को पता चलना है विक्टिम्स के बारे में. तो या तो वो इन्फॉर्मर्स ने पुलिस को बताया है कि यहाँ इस जगह पे कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कोई एक्टिविटी करने वाले हैं, तो वो एक गिल्ट मतलब एक अजम्पशन ऑफ गिल्ट पे वो जाते हैं वहाँ उन्हें पकड़ने के लिए. या तो फिर पुलिस को खुद खबर मिलती है एस एच ओस को कि कुछ क्रिमिनल्स हैं जो किसी गाड़ी या बाइक को लूट के भागे हैं और आप उनके पीछे भागे. और कुछ केसेस ऐसे जहाँ पुलिस ने देखा है कि दो लोग खड़े हैं, वो जाते हैं उनके पास और फिर पुलिस बोलती है कि वो जो क्रिमिनल्स है वो पुलिस को देख के तुरंत फायर करने लगे. इसके बाद की जो कहानी है वो हर केस में सिमिलर है और वो ये है कि पुलिस बैरिकेड्स लगाती है. बैरिकेड्स भी अगर आप देखेंगे अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसी जगहों पर लगी है एक जो तिराहा होता है उसके जस्ट पीछे लगी है ताकि क्रिमिनल्स के पास एक जगह है कि वो तीसरे रास्ते से वहाँ से निकल के भाग जाए. और हर केस में यही हुआ है कि उन्होंने बैरिकेड लगाया है, जो बाइक या कार है वो वहाँ पे आई है, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, वो भाग गए वहाँ से, पुलिस ने पीछा किया. फिर जो बाइक है या कार है वो हर केस में स्लिप करती है या उसका एक्सीडेंट होता है, जो अंदर लोग बैठे हैं गाड़ी के या बाइक पे वो उतरते हैं और पुलिस पे फायर करना शुरू कर देते हैं. पुलिस भी फिर उन पर फायर करती है इन सेल्फ डिफेंस और उसमें एक आदमी को इंजरी होती है, या तो वो मर जाता है या फिर इंजर्ड होता है. और दूसरा जो उसका साथी है वो हर केस में भागा है, तो 16 केसेस में 16 लोगों की मौत हुई है और एक आदमी हर केस में एस्केप्ड दिखाया है पुलिस ने. इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि और उसके बाद से क्या होता है कि जो आदमी भागा है उससे कुछ दिनों बाद उसे फिर एनकाउंटर किया जाता है और वो भी बिल्कुल सिमिलर स्टोरी के साथ. तो जैसे एक एग्जाम्पल हमें जो मिला हमारे फैक्ट फाइंडिंग में वो ये था कि 28 सितंबर को पुलिस ने दिखाया कि वसीम की मौत हुई और उसका साथी सबीर भाग गया. 1 जनवरी 2018 को फिर पुलिस ने बोला कि सबीर को एनकाउंटर में मारा गया है और अकबर है जो भाग गया है. और 3 फरवरी 2018 को अकबर की मौत होती है पुलिस एनकाउंटर में और एक अननोन अक्यूज है जिसे दिखाते हैं कि वो भागा हुआ है. तो ऐसी जो सीक्वेंस है ये हर मतलब और केसेस को अगर डिटेल में स्टडी किया जाए तो आई एम श्योर एक ऐसी सीक्वेंस हर इसमें निकल के आएगी कि पुलिस जैसे काम कर रही है. इसके बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग ये भी है कि इन सारे केसेस में 16 केसेस में एक केस में भी पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्यवाही ना शुरू नहीं हुई है या फिर कोई FIR भी रजिस्टर नहीं की गई है. सारी FIRs जो रजिस्टर्ड है वो विक्टिम्स के ऊपर हैं और वो सारी 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर की FIRs हैं हर केस में. तो इसका मतलब इसमें ये दिखाया मतलब ऐसा लगता है कि जो लोग मार रहे हैं उन पे कोई भी कार्यवाही नहीं है और जो मरे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करती है. उसके बाद फिर हमने अपने फैक्ट फाइंडिंग में ये भी देखने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए हैं PUCIL वाले केस में तो उसके अकॉर्डिंग क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है या उन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है. उससे हमें पता चला कि बहुत क्लियर वायलेशंस हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक तो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR गाइडलाइंस बोलती है कि FIR रजिस्टर होना चाहिए पुलिस के खिलाफ, वो नहीं होता है. इन्फॉर्मेशन दिया जाना चाहिए फैमिलीज को एनकाउंटर के तुरंत बाद. किसी भी केस बहुत कम केसेस में हुआ है कि पुलिस ने खुद बताया हो फैमिलीज को. मोस्टली फैमिलीज को या तो किसी गाँव के प्रधान से पता चलता है या रिलेटिव से पता चलता है, न्यूज़पेपर्स और व्हाट्सएप से पता चल रहा है. फिर जो गाइडलाइंस वो ये भी बोलती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो CBCID या कोई इंडिपेंडेंट बॉडी को करना चाहिए. हर केस में हमने देखा है कि अगर वो ट्रांसफर करते रहे हैं तो किसी एक लोकल थाने जो बगल का थाना है उसको दे देते हैं. और देखने वाली बात ये भी है कि इन सारे FIRs में कोई एक थाने की पुलिस इन्वॉल्व नहीं है. मोस्टली तीन चार डिपार्टमेंट्स होती हैं जिसकी पुलिस या दो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी पुलिस साथ में मिलकर एनकाउंटर कर रही है. तो जैसे SWAT टीम्स हैं, क्राइम ब्रांच की टीम्स हैं और जो थाने हैं जो लोकल थाने हैं उनकी पुलिस है मोस्टली हर केस में. और एंड में बस इससे करना चाहूँगी कि एक तो डॉक्यूमेंट जैसे हरियाणा में भी हमने देखा कि UP में भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे स्पेसिफिकली पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की जो एविडेंस होती है वो बहुत क्लिंचिंग एविडेंस होती है केसेस में, तो इसलिए उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं फैमिलीज को. और एंड में बस ये है कि पुलिस हर मतलब हमारे सामने दो ऐसे केस आए जहाँ पे पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट या क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई है. तो इसका मतलब ये है कि पुलिस एक तो FIR करती है विक्टिम्स के खिलाफ और उसमें फिर FIR फिर वो उस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दे रहे हैं
ये बोलते हुए कि जो विक्टिम जो अक्यूज है वो तो मर गया और दूसरा अक्यूज जो है वो एब्सकॉन्डिंग है और उसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता है. तो मतलब इन्वेस्टिगेशन फैमिली के पास इन्वेस्टिगेशन की जो भी एवेन्यूज है पुलिस उसे भी धीरे धीरे बंद कर रही है और ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है. इनफैक्ट 156(3) की पिटिशन भी जहाँ पे फैमिलीज ने डाली है वो भी रिजेक्ट, तीन केसेस है हमारे पास और तीनों में 156(3) भी रिजेक्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से. तो इसका मतलब ये है कि सिस्टमैटिक तरीके से एवेन्यूज जस्टिस के बंद किए जा रहे हैं फैमिलीज के लिए और ये इंश्योर किया जा रहा है कि फैमिलीज डर के पुलिस दबाव में आके कुछ आगे कोई कदम नहीं.